हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, जैसे हम अपनी पिछली क्लास में, आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हम मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे के बारे में बात कर चुके हैं, और जो आज जो क्लास है दोस्तों, आपके सामने जैसे लिखा भी आप देख रहे होंगे, है महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्ट की। तो इनके बारे में आज चर्चा कर लेंगे कि उन्होंने CDP के क्षेत्र में, यानी बाल विकास के क्षेत्र में, कौन सा सिद्धांत दिया और किस प्रकार से इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लेव वाइगोस्ट की थे, उनका जन्म की बात करें तो 1896 में हुआ था, और उनकी जो डेथ हो गई थी 1934 में, मात्र लगभग 38 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। और इसी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत से सिद्धांत या टर्म दे दिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके CTET, UPTET या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं जिसमें CDP पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात कर लेते हैं, जैसे उन्होंने टर्म दी आत्मसात करना, ZPD, स्केप होल्डिंग, MKO, निजी वार्ता, पारस्परिक शिक्षण और सहयोगी अधिगम। तो दोस्तों, इनके बारे में हम एक एक व्यवहारिक और एक एक शैक्षिक उदाहरण लेते हुए चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले थोड़ी सी लेव वाइगोस्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्या टर्म्स दी थी। तो दोस्तों, जैसे सबसे पहले यहां लिखा है, हमने चर्चा कर ली जन्म के बारे में, और यदि इनकी बात करें कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, तो ये दोस्तों रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और यदि हम बात कर लें ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे, यानी किस प्रकार के थे, तो ये दोस्तों आपके संज्ञानवादी, संरचनावादी, निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक थे, यानी व्यवहारवादी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो ये आपको कैंसिल कर देना है, ये व्यवहारवादी ना थे, जबकि ये थे निर्मितवादी, संरचनावादी और आपके संज्ञानवादी। तो ये आप समझ चुके होंगे दोस्तों। इसके बाद आगे बात कर लें, इन्होंने जो सिद्धांत दिया जिसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी दोस्तों इंग्लिश में बात करें सोशियोलॉजिकल कल्चर थ्योरी। तो इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों बात कर लें, इन्होंने समाज को, बता दें कि बच्चों को सीखने के लिए इन्होंने समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना। इन्होंने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है, समाज में आता है, वहीं पर भाषा, विचार, सब कुछ वहीं पर सीखता है, और इन्होंने बच्चों को सीखने के लिए, उसके अधिगम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसको माना, समाज को। यदि दोस्तों क्वेश्चन में आ जाए ये पूरा लिखा हुआ कि सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों लगाना आपको लेव वाइगोस्ट्की ने, और यदि इतना ही आ जाए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आ जाए, तो आप लगाना जीन प्याजे। तो दोस्तों ये उन दोनों की थोड़ी समानता थी, सिर्फ नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है जीन प्याजे और लेव वाइगोस्ट्की में। बात करें लेव वाइगोस्ट्की और जीन प्याजे में, कुछ टर्म उनकी सेम थी और कुछ टर्म उनके विपरीत थी। तो दोस्तों इनकी बात अलग कर लेंगे, उससे पहले हम ध्यान देंगे बस यहाँ पर लेव वाइगोस्ट्की के बारे में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये कहे से मनोवैज्ञानिक थे, बता दिया आपको। इनकी बुक्स के बारे में बात करें, यदि एक दो बुक्स के बारे में, फेमस बुक्स के बारे में बात कर लें, तो एक इनकी बुक्स की थॉट एंड लैंग्वेज, ये इनकी एक फेमस पुस्तक थी आपकी, कौन सी, थॉट और लैंग्वेज। यदि एक और पुस्तक की बात करें तो इनकी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनकी दो पुस्तक थी दोस्तों, इनके बारे में बात कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये लगा देना आप। इसके बाद इनकी बात कर लेते हैं कि इन्होंने कुछ टर्म दी थी सीधी जो आपके CTET, UPTET या किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपकी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। नंबर एक टर्म की बात करें तो इन्होंने बताया कि बच्चा जो समाज में आकर के क्या कैसे सीखता है, अंतः क्रिया, इनका मेन शब्द था अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब होता है दोस्तों इंटरैक्शन करके, यानी समाज में आकर एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे बात वार्ता, परिचर्चा, ये सब करना, ये क्या होलाता है, कहलाता है दोस्तों अंतःक्रिया। तो ये आपकी टर्म दी थी कि बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। दूसरी बात इन्होंने महत्वपूर्ण माना भाषा को, इन्होंने बताया कि बच्चों में जो भाषा है वो सबसे पहले आती है, जबकि जीन प्याजे ने बताया कि बच्चों में विचार पहले आता। तो इनमें कुछ समानता थी, कुछ इनके जो है अलगाव थे, यानी विपरीत अर्थ थे, बट इसके बारे में आगे बात करेंगे, इससे पहले यहाँ पर बस इसी पर ध्यान देंगे। तो भाषा को इन्होंने बताया कि बच्चों में भाषा पहले आती है, किन्ने, लेव वाइगोस्ट्की ने। और इन्होंने बताया कि शुरुआती दो वर्ष में बच्चे की भाषा और उनका विचार अलग अलग होते हैं, और दो वर्ष से जैसे ही आगे बढ़ते हैं भाषा और विचार दोनों साथ साथ आ जाते हैं। ये सीधी सीधी टर्म आपकी पूछ ली जाती है। अब इससे महत्वपूर्ण जो टर्म है जिसके बारे में इनका सिद्धांत और नामों से भी जाना जाता है, तो उनके बारे में बात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको बताया लिखा था आत्मसात करना, ZPD यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, इनके नाम से भी इसके सिद्धांत को, लेव वाइगोस्ट्की जी के सिद्धांत को जाना जाता है। सबसे पहले आत्मसात करने के बारे में हम बात कर लेते हैं। आत्मसात करने का मतलब हो गया दोस्तों
यानी बच्चा समाज में आकर के जो स्वयं अपनी क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि समाज में अंतःक्रिया करके जो सीख लेता है उसे कहते हैं दोस्तों आत्मसात करना, उसे कहते हैं आत्मसात करना। जैसे कि दोस्तों बात कर लें कि बच्चा किसी जानवर को देखता है, किसी खिलौनों को देखता है, या ऐसे देखें कि कोई दूसरा बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है तो जो दूसरा जो बच्चा उसे देख रहा है वो भी उससे खेलना सीख जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आत्मसात करना हो गया, और यानी अपने आप स्वयं सीख लिया तो वो क्या होगा, आत्मसात करना कहलाएगा। इसके बाद ये आत्मसात करने की बात हो जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं ZPD की। ZPD का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई बच्चा कोई कार्य सीख रहा है, कोई खेल सीख रहा है, या किसी भी ऐसी समस्या को हल कर रहा है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, हल करते 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 उसे एक डिफ़िकल्टी आ जाती है, यानी रास्ते में वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसे कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है या इस तरह से वो कर नहीं पाता है। जैसे हम उदाहरण ले दोस्तों कि एक बच्चा था, उसका एक क्या था, खिलौना था इस तरह का, हम चित्रकारी अच्छी नहीं है दोस्तों, मजाक नहीं बनाना दोस्तों, एक खिलौना इस तरह से, उसके चार पैर थे, उसके चार पैर थे इस तरह से, ठीक है दोस्तों। हुआ क्या कि बच्चे ने ये जो है चारों पैर अलग अलग कर दिए, चारों पैर यहाँ से हटा दिए यानी अलग अलग कर दिए। हुआ क्या कि बच्चा जब इन्हें लगाने की कोशिश करता है, जब इन पैरों को लगाने की कोशिश करता है तो ये तीन पैर तो वो इस तरह से लगा देता है, लेकिन जब ये चौथा पैर अलग था तो दिक्कत क्या थी दोस्तों, कि दोस्तों दिक्कत उसके सामने क्या हुई कि वो इस तरह से उस पैर को ना लगाकर इस तरह से लगा देता है, तो वो क्या होता है, वो खिलौना ठीक तरीके से बन नहीं पाता। और यहाँ पे देखिए दोस्तों उसे क्या हुआ कि दिक्कत महसूस होती है, तब कोई MKO यदि यानी कि अधिक ज्ञानवान, और यहाँ पे लिखा भी है MKO यानी जो अधिक जानने वाला है खिलौने के बारे में, इसके बारे में जिससे बच्चे की वो मदद कर सके, वो बताता है बेटा इस पैर को आप इस तरह से हटा करके आप इस तरह से आप लगाइए तो ये आपका खिलौना पूर्ण बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो MKO की मदद ली ZPD में, जहाँ वो अटक जाता है, तो यहाँ पे आपका MKO भी क्लियर हो जाता है और ZPD भी आपका क्लियर हो जाता है। यानी MKO का मतलब होता है जब बच्चा अटक जाए या किसी भी कार्य को किसी दूसरे से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति से सीखे तो वो MKO हो जाता है, और जो आपका जो कार्य को पूर्ण कर लेता है वो ZPD कहलाता है। इसके बाद आगे चलें तो दोस्तों बात कर लेते हैं स्केप होल्डिंग की। स्केप होल्डिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे ही बच्चा को शुरुआती मदद दी जाती है, जैसे व्यवहारिक उदाहरण की बात करें तो दोस्तों जैसे कि छोटा बच्चा आपने भी देखा होगा या आपने भी कुछ साइकिल सीखी होगी ना, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है समझाने के लिए स्केप होल्डिंग को। बाकी इसका उदाहरण और भी देंगे हम। तो दोस्तों स्केप होल्डिंग का मतलब होता है जो शुरुआती में मदद दी जाती है, शुरुआत में मदद दी जाएगी बड़े के द्वारा यानी MKO के द्वारा, और क्या होगी, ये अस्थाई मदद होगी दोस्तों, अस्थाई मदद होगी। तो इसके फोल्डिंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा शुरुआत में मदद दी, जैसे कि साइकिल सीखते समय कोई आपका पापा चाचा दादा दादी मतलब कोई भी जैसे आपको साइकिल सिखा रहे थे, वो पीछे से पकड़े रहते हैं, वो धीरे धीरे वो छोड़ते रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, शुरुआत में करते हैं धीरे धीरे मदद देते हैं और बाद में वो छोड़ते चले जाते हैं, वो अस्थाई मदद हो जाती है, और शुरुआत में वो मदद देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके फोल्डिंग। अब आप बात करेंगे निजी वार्ता के बारे में बात कर लें तो दोस्तों इसका मतलब होता है जब कोई बच्चा कोई खेल करते समय, किसी कार्य को हल करते समय, किसी समस्या को हल करते समय किसी भी प्रकार की वार्ता स्वयं से करता है तो उसे कहते हैं निजी वार्ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और अब बात कर लेते हैं पारस्परिक शिक्षण की। पारस्परिक शिक्षण का मतलब यह होता है दोस्तों, जैसे कि किसी कक्षा में कोई बच्चा टीचिंग कर रहा है, मतलब कि सीख रहा है यानी अधिगम कर रहा है, यानी उसे टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ जैसे कि टीचर तो बच्चे को अधिक ज्ञान सिखाता है, ज़्यादा ज्ञान सिखाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी न किसी प्रकार से टीचर भी बच्चे से कुछ ना कुछ सीख लेता है, यानी एक दूसरे का आदान प्रदान होना, जहाँ पर बच्चा या दो ग्रुप ऐसे हों कि वो कुछ सिखा रहा है और दूसरा ग्रुप उसे कुछ सिखा रहा है, यानी आदान प्रदान जहाँ होता है वो पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। इसके बाद सहयोगी शिक्षण के बारे में बात कर लेते हैं, या अधिगम भी कहते हैं इसे। ऐसा अधिगम जहाँ पर पीयर बांट दिए जाते हैं, यानी शिक्षक क्या करता है कि 5-7 लड़कों का या बच्चों का एक ग्रुप बना देता है, उनके सामने एक क्वेश्चन या एक समस्या दे दी जाती है, तो वो टीचर बोलता है कि आप इस समस्या को, इस क्वेश्चन को आपस से मिलकर हल कीजिए। मान के चले कोई क्वेश्चन यदि दे दिया जाता है तो होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मान के चले एक उदाहरण हम आपको दे देंगे, आपको ये दिया सूत्र a प्लस
बी का स्क्वायर ये क्वेश्चन में दे देता है बच्चों को। हालांकि उच्च लेवल का है बट आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं। तो क्या होता है, कुछ बच्चों का ग्रुप बैठता है, एक बच्चे को आता है, जब इसे खोलते हैं तो यहाँ लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लगाने के बाद वो क्या होता है कि वो यहाँ पे भूल जाता है, तभी एक बच्चे को याद आता है कि आगे इसे कर लेते हैं 2AB, यानी दूसरा बच्चा मदद कर देता है, फिर तीसरा इसमें मान रखने के लिए बोल देता है। इस तरह से जो समस्या का हल करते हैं वो क्या कहलाता है, सहयोगी अधिगम। ये आशा है दोस्तों ये सहयोगी अधिगम आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ी सी ये तो आप आसानी से समझ चुके होंगे, अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों ये आत्मसात करना, ZPD, इसके फोल्डिंग और MKO। दोस्तों आत्मसात करना भी आप सीख गए होंगे, लेकिन ये ZPD, इसके फोल्डिंग, MKO में बड़ी समानता होती है। इन्हें समझने के लिए हम थोड़े आपके व्यवहारिक उदाहरण भी लेंगे और दोस्तों आपको शैक्षिक उदाहरण भी लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ZPD की। ZPD यदि इंग्लिश में बात करें तो इसे लिखते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों इसे हिंदी में कहें निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। क्षेत्र जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, आपका निकटवर्ती होगा, समीपवर्ती भी कह सकते हैं इसे, और नंबर दो की बात करेंगे वास्तविक विकास का क्षेत्र, नंबर तीन की बात करेंगे संभावित विकास का क्षेत्र। अब तीनों को हम इन्हें आपस में इंटरेक्ट करके बताएंगे कि दोस्तों ये तीनों होते क्या हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, एक उदाहरण के साथ हम चर्चा कर लेंगे। तो ये मिटा देते हैं दोस्तों। सबसे पहले दरअसल क्या था, एक बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा था, उसका एक दोस्त था। तो क्या था, ये एक बच्चा था, इसका घर यहाँ था, इसका नाम था रामू, इसका घर था, और इसका एक दोस्त था, इसका घर यहाँ था, और इसका नाम था श्यामू। ये आपका श्यामू, इसका घर यहाँ था और इसका घर यहाँ था। होता क्या है दोस्तों, जो श्यामू होता है वो रामू से कहता है कि आप मेरे घर आइए, आपका जो है मेरे घर पर क्या है, इन्विटेशन है, आपकी दावत है। तो होता क्या है, रामू यहाँ से चलता है श्यामू के घर पर। तो उसे कहाँ पहुँचना है, श्यामू के घर पर। तो इसे कहते हैं हम संभावित विकास का क्षेत्र, ऐसे लिख दे रहे हैं दोस्तों, ये है संभावित विकास का क्षेत्र। अब क्या हुआ है, यहाँ पर रामू था और ये चल देता है, और चलते चलते यहाँ पे रुक जाता है। रुक क्यों जाता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सड़क थी उसमें इस तरह का गड्ढा आ जाता है, रामू इस गड्ढे को पार नहीं कर पाता और यहीं पे आके रुक जाता है। जब यहाँ से रामू यहाँ तक चला तो इसे कहते हैं जो उसने खुद अपने आप दूरी स्वयं चल के तैयार कर ली, लेकिन यहाँ पे समस्या में फंस गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होगा वो होगा वास्तविक विकास का क्षेत्र। ये आपका वास्तविक हो गया क्योंकि वो स्वयं चल गया। अब हुआ क्या, यहाँ पे वो गड्ढा था और वहाँ पे आकर अटक गया, जबकि उसे जाना यहाँ तक था। देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी ज़रूर बनी है दोस्तों, ये आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये देखिए कुछ दूरी दिख रही होगी आपको। तो इसी को हम कहते हैं आपका निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं ZPD, यानी जो कार्य है स्वयं के द्वारा वो यहाँ पे फंस जाता है और यहाँ तक करना हो वो नहीं कर पाता, उस वाले गैप को कहते हैं हम ZPD। क्या कहते हैं दोस्तों, ZPD। दोस्तों समझ गए होंगे, यदि आप नहीं समझे तो इस तरह से हम एक गोला बनाकर आपको समझा देते हैं। ये एक गोला बन गया, मान के चलो यहाँ से शुरुआत करी और यहाँ तक वो पहुँच गया, इस गोले तक वे पहुंच गए। ये सारा जो यहाँ तक का जो आपका क्षेत्र है, ये तो आपका कहलाएगा दोस्तों, आपका क्या कहलाएगा बताइए आप, ये आपका कहलाएगा वास्तविक विकास का क्षेत्र। बट एक गोला यदि हम यहाँ भी छोटा सा बना दें जहाँ पे उसे पहुंचना था, अब जो दोस्तों ये यहाँ तक तो पहुंच गया, ये तो वास्तविक हो गया, और जो ये जो गोले का गैप है ये चारों तरफ, ये आप देख रहे होंगे
ये कहलाएगा ZPD, और जो मेन पॉइंट था वो होगा कहलाएगा संभावित विकास का क्षेत्र। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ऐसा ये समझ चुके होंगे। अब होता क्या है दोस्तों, होता क्या है कि ये जो गड्ढा होता है तभी यहाँ पे क्या होता है, ये गड्ढा होता है यहाँ पे रामू रुका खड़ा होता है तभी क्या होता है, एक एक जो है एक दादा टाइप व्यक्ति यहाँ आता है। मान के चलो दोस्तों चित्रकारी थोड़ी गंदी है दोस्तों, मजाक मत बनाना। तो दोस्तों ये दादा टाइप एक आदमी आता है और श्याम को देखता है, बेटा यहाँ कैसे खड़े हो। तो श्याम बता है दादा कि यहाँ मुझे आगे दोस्त के पास जाना था और यहाँ पे सड़क में गड्ढा है और मैं ये क्रॉस नहीं कर सकता। तभी दादा क्या सजेशन देते हैं, बेटा ये जो फट्टा पड़ा है, इधर एक फट्टा पड़ा था इस तरह से, ये फट्टा जो पड़ा है आप ऐसे कीजिए, ये फट्टा उठाइए और इस फट्टे को इस तरह से इस गड्ढे पर लगाइए और इस पर चढ़कर निकल जाइए और अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर किसने नॉलेज दी, MKO ने। ये आपका कहलाएगा MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो अधिक जानता था वो बच्चे को मदद यहाँ पे देगा और ये फट्टा गिराएगा, रामू और श्यामू के घर पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों लगभग लगभग सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे जिसने मदद दी उसे क्या कहेंगे, MKO। जहाँ पे वो स्वयं जहाँ तक कार्य कर लेता है वो कहलाता है वास्तविक विकास का क्षेत्र। जहाँ से जहाँ उसे पहुँचना होता है और अटक जाता है उसे कहते हैं निकटवर्ती, यानी ZPD, और जहाँ उसे पहुँचना होता है मेन पॉइंट उसे कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। आशा है दोस्तों तीनों बातें आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आप ZPD समझ गए, आप इसके सॉरी दोस्तों MKO समझ गए। MKO का मतलब यहाँ पर उन्होंने ये माना, चाहे उम्र उसकी कोई भी हो सकती है बच्चे को सिखाने वाले बंदे की, यानी MKO की उम्र कोई भी हो सकती है, बट ये होना चाहिए कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र को वो सिखा रहा है, जिस क्षेत्र में वो शिक्षा दे रहा है, जिस क्षेत्र में वो परिचर्चा कर रहा है, वो बच्चे से अधिक जानता हो। अब आप बात कर लेते हैं दोस्तों स्कैफोल्डिंग में जैसे हमने बताया कि बच्चे को मदद दी जाएगी शुरुआती मदद दी जाएगी और कैसे दी जाएगी, अस्थाई मदद दी जाएगी। तो दोस्तों ये शुरुआती होगी और अस्थाई होगी, ये हमेशा याद रखना क्वेश्चन आए तो। और दोस्तों ये क्या होगी कि स्कैफोल्डिंग में मदद दी जाएगी और ZPD में मदद ली जाएगी, ये बात याद रखना दोस्तों। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्कैफोल्डिंग करें या ZPD करें, हमेशा याद रखना स्कैफोल्डिंग में किसी बड़े के द्वारा मदद दी जाएगी, यानी शिक्षक के द्वारा बच्चे को मदद दी जाएगी, और वो क्या, शुरुआत में ही, इसका भी उदाहरण देंगे। और ZPD में क्या होगी, बच्चे के द्वारा मदद ली जाएगी, वो भी बीच में अटकने के बाद, इसका उदाहरण दोनों ही देंगे दोस्तों, शैक्षिक उदाहरण भी देंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग के उदाहरण के बारे में, सबसे पहले व्यावहारिक उदाहरण के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। बात करें शुरुआती का मतलब होता है, जैसे कि एक हमारा ये नन्ना मन्ना गोलू सा एक बच्चा था, ये क्या होता है, ये स्कूल जाता है और स्कूल में क्या होता है, इसे मिलता है होमवर्क मिलता है। तो इसकी जो ये प्यारी सी मम्मी होती हैं दोस्तों, चित्रकारी पे थोड़ा मजाक ना लेना, ये जो मम्मी होती हैं वो क्या देखती हैं कि मेरा गोलू मोलू सा बेटा आ गया, और उसने उनका बैग खोला, उसमें देखती है कि बच्चे को स्कूल से शिक्षक ने क्या दिया है, होमवर्क। तो मम्मी क्या करती हैं, वो कहती हैं कि वो समझती हैं, जानती हैं कि बच्चा क्या होगा, स्वयं से होमवर्क नहीं कर पाएगा। वो क्या होती हैं कि बच्चे का बैग से बुक्स निकालती हैं और एक पेन निकालती हैं। वो क्या करती हैं, पेन निकालने के बाद वो क्या करती हैं, इस तरह से हाथ से पकड़ती हैं और इस गोलू मोलू बच्चे की हाथ पकड़वा के मदद करते हैं। धीरे धीरे एक दिन, दो दिन, चार दिन, छः दिन, धीरे धीरे वो मदद करती हैं, यानी पेन को पकड़वा करके गोलू मोलू से होमवर्क को पूरा कराती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जो माताजी हैं यानी जो भी उनकी मदद करता है, या पिताजी भी हो सकते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, अब धीरे धीरे पेन को पकड़ना बंद कर देते हैं। तो होता क्या है, धीरे धीरे गोलू मोलू सा बच्चा स्वयं लिखना सीख जाता है। तो दोस्तों ये बात क्लियर हुई। यहाँ पे जो मदद दी गई कैसी दी गई दोस्तों, शुरुआती दी गई, और दूसरी बात अस्थाई का मतलब जब बच्चा परिपक्व हो जाए उस मदद को हटा लो, वो कहलाएगी अस्थाई, और हमेशा दी जाने वाली कहलाती है स्थाई। तो इसलिए दोस्तों ये आप समझ चुके होंगे। अब आपको हम जो शैक्षिक जो उदाहरण है उसका उससे देंगे, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान के चलो एक बच्चा था, तो उसको विद्यालय में मैथ सिखाया जा रहा था, तो टीचर ने सिखाया, बेटा ये लिखा है 3
और ये लिखा है 2, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए यानी योग कर दीजिए। तो बच्चे को टीचर ने बताया ऊपर 3 लिखा है तो 3 लाइन आप खींच लिए 1 2 3, नीचे 2 लिखा है और 2 लाइन नीचे खींच लिए 1 और 2। इनका मतलब है सभी को, ऐड का मतलब है सभी को एक साथ गिन लेना। तो बच्चा क्या करता है यानी टीचर बताता है इन्हें गिनिए, तो पहले टीचर गिन के बताता है 1 2 3 4 5, तो हम यानी टीचर बोलता है कि यहाँ पे 5 लिख दीजिए और ये बच्चा यहाँ पे 5 लिख देता है। अब होता क्या है कि टीचर जो है इस तरह से फिर आगे सवाल देता है बच्चा कि बच्चे को बोलता है ये लिखा है 5 और ये लिखा है 2, तो टीचर बोलता है इसे आप स्वयं कीजिए। तो बच्चा इसकी सहायता से जो पहले सीखा था उसकी सहायता से इसे भी हल कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हुई दोस्तों, स्केप होल्डिंग हुई, क्योंकि दोस्तों यहाँ टीचर में शुरुआत में मदद दी, बाकी आगे बच्चे ने किया। अब दोस्तों ZPT का उदाहरण दे देते हैं, ये तो हो गया स्केप होल्डिंग का उदाहरण, अब देते हैं ZPT का। मान के चलो एक बच्चा है जोड़ घटाने की क्रिया जानता है, अब होता क्या है, टीचर ने एक सवाल दिया इस तरह से और आपको इस तरह से मान के चलो सवाल दिया ये, अब नीचे लिखा था उसने 1 1 0 1, ये आपको सवाल दिया माइनस का। लेकिन बच्चा जानता था कि माइनस का सवाल यानी घटाव का सवाल क्या होता है, बच्चा जानता है कि ऊपर जितना लिखा है उतने लाइन ऊपर खींचे, जैसे ऊपर 2 लिखा है 1 2, और नीचे जितनी लाइन लिखी है उसको लिख करके उसमें से काट दीजिए। ये दोस्तों 1 लाइन है यानी 1 लिखा है, तो 1 यहाँ लिख के मान के चलो एक ऐसे लिखा जाएगा, एक लाइन ऐसे खींचेगी, तो आपको क्या करना है यानी बच्चे को ये बताते हैं जितना नीचे लिखा उतनी लाइन कट कर दीजिए और जितनी लाइन बची उसे वहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ क्या होता है 1 लाइन कट करने के बाद 1 लाइन बची है तो यहाँ 1 लिख देता है। अब दोस्तों यहाँ उसने कर लिया और सवाल यहाँ तक उसे पूरा करना था, लेकिन आगे कर क्या करता है दोस्तों, जब बच्चा करता है यहाँ पर देखता है 8 लिखा है तो 8 लाइन खींचता है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींचता है, उसे बताया जाता है जितना नीचे लिखा होता है उतनी लाइन कट कर दीजिए। यहाँ पे लिखा था 0, अब 0 की उसकी समस्या ये आ गई दोस्तों कि उसे 0 लाइन खींचनी आती नहीं थी, जबकि आप जानते हो दोस्तों 0 का कोई मतलब यानी लाइन नहीं खींची जाती, यानी 0 मतलब कि शून्य होता है जो कोई लाइन नहीं खींचती और ना ही कोई कटेगा। तो यहाँ पे बच्चा अटक जाता है कि 0 लाइन कैसे खींचो। अब कोई एम के वो आता है और उसकी मदद करता है, उसे बताता है बेटा कि आप 0 को क्या है किसी भी प्रकार की लाइन ना खींच करके एज इट इज ऊपर जितना लिखा है उसे उतार दीजिए, यानी उतनी लाइन लिख के गिन के लिख दीजिए। तो यहाँ पे वो 8 लिख देता है और बाकी ये भी आगे वो पूरा कर लेता है। तो यहाँ अटका था, यहाँ पे उसको चाहिए थी मदद, जबकि वो यहाँ तक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे अटक गया और यहाँ पे मदद चाहिए, यानी बीच में जो बच्चे को मदद मिलेगी वो ZPD कहलाएगी। दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी होगी ZPD और स्केप होल्डिंग और MKO के बारे में। दोस्तों MKO का मतलब सिर्फ इतना है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो बच्चे को सिखाने के लिए अधिक ज्ञानवान होता है व्यक्ति, उसके बारे में MKO कहा जाता है। दोस्तों आशा है ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। निजी वार्ता जो अपने से बात करता है, जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलता हुआ कि मेरी गाड़ी आ रही है, मेरी गाड़ी मेरठ जाएगी, गाजियाबाद जाएगी, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, तो ये अपने आप में वार्ता करनी निजी वार्ता कहलाती है। पारस्परिक शिक्षण का मैंने बताया दोस्तों कि एक दूसरे को इंटरेक्ट करना, यानी कुछ बच्चा हमें सिखाता है और कुछ बच्चे से हम सीखते हैं, ये पारस्परिक।